नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर चलते चलते चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज हमारी विजिट पलड़ा गांव में है, मिस्टर परवीन के घर पे। पलड़ा ये डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को ये सुझाव देना चाहता हूं कि जो गलती इन भाई से हुई है वो आप बिल्कुल मत कराना। ये हमारी हरियाणा नस्ल की देसी गायें हैं। कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। दूध कितना है भाई साहब इसके नीचे? अभी सात लीटर है। मतलब पीक पे गई थी तब कितना दिया था इसने? जब हाईएस्ट गई थी सात ही था। चलो ठीक है। ये इसकी बच्ची है, ये इसकी पहले ब्याह की बछड़ी है। हाँ जी, पहले लैक्टेशन, फर्स्ट लैक्टेशन की। और अब की बार इसने ये बच्ची दी है। तो यही जो गलती मैं अपने व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहता हूँ कि हरियाणा नस्ल की कितनी सुंदर गाय थी और उसका ये मिक्स ब्रीड का बच्चा आ गया डॉक्टर की गलती से। उस दिन ये भाई यहाँ पर थे नहीं, और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को बोला कि हरियाणा देसी नस्ल का इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया ब्रीडिंग का, और उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। बच्चा चाहे कौन सी ब्रीड का आए, उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब था और उसको प्रेग्नेंट करने से मतलब था। जो भी सीमन हाथ में आया उसको लगा के वो चलता हुआ। अब ये इफ़ेक्ट पड़ा है इस चीज़ का। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही सुझाव देना चाहता हूँ कि आप ये डॉक्टर को जब भी सीमन लगवाएं तो डॉक्टर को स्पेशली बोलें कि जो मेरी गाय की नस्ल है वही नस्ल का सीमन आप लगाएं। हरियाणा है तो हरियाणा से ही क्रॉस कराएं, साहिवाल है तो साहिवाल से ही क्रॉस कराएं, और थारपारकर है तो थारपारकर से ही क्रॉस कराएं, गीर है तो गीर से क्रॉस कराएं। अब सिस्टम ये थोड़ा उल्टा चल पड़ा है। जगह जगह देखने को मिलता है कि सबको ही साहिवाल का सीमन लगाया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कहीं कहीं देखने को मिलता है सबको गीर का सीमन लगाया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपनी स्वदेशी नस्लों की जो शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो सीमन लगवाना है, जो ब्रीडिंग करनी है, उसको बड़े ध्यान से और सहजता से और समझदारी के साथ काम करें। वो समय बड़ा अच्छा निर्णय लेने का होता है। तो मैं भाई साहब से जानना चाहता हूँ कि इसमें कैसे उनसे गलती हुई है, वो खुद इस बारे में आपको बताएंगे। सर नाम क्या है सर आपका? मेरा प्रवीण कुमार। परवीन सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए एक बार। मोबाइल नंबर 94684-63-356। जी, तो परवीन ये गलती कैसे हुई आपसे? ये गलती मैं उस दिन शादी में गया हुआ था जी। मेरे को वहाँ 2-3 दिन का समय लग गया जी। तो मम्मी का फोन आया हाँ। कि इसको अभी गैबिन करवाना है, मतलब हाँ, हीट में आ गई, हीट में आ गई वो, तो इसको इंजेक्शन या बुल से करवाना पड़ेगा जी। तो अभी घर पे कोई व्यवस्था थी नहीं जी, मैं बाहर था। तो फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने बोला उसको कि देसी गाय का इंजेक्शन उसको रखना, हरियाणा नस्ल का ही जी। तो फिर भी उन्होंने यही बोला, मैंने देसी का रखा है, हरियाणा नस्ल का रखा है, लेकिन बाद में जब बच्चा हुआ तो ये मिक्स निकला, जर्सी है विदेशी के टाइप में। तो ये डॉक्टर इस तरीके से कर देते हैं लापरवाही जी, लापरवाही कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ व्यूअर्स को अपने, कि जब गायें हीट में आती है तो वो समय बड़ा सेलेक्टिव होता है, बहुत ध्यान देने वाला समय होता है, और उस समय पर एक छोटा सा जो गलत निर्णय लिया जाए तो वो आगे आपकी जो धन है, संपत्ति है, जो पशुधन है या गौधन है, उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसकी वैल्यू डाउन कर सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अलविदा।